नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से अगर बात की जाए इस वक्त तो बचाते हुए नजर आ रहे हैं करण पूरी तरीका से प्रीता को, लेकिन दोस्तों वहीं अंजलि को पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। और अंजलि को पुलिस के हवाले क्यों किया जाएगा आप लोगों को बता देना चाहता हूं, क्योंकि इस समय अंजलि ने जो किया है सब कुछ अब अंजलि का करना अंजलि के साथ ही है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इस वक्त जो किया है अंजलि ने उसका बिल्कुल अपोजिट, क्योंकि अंजलि होगी गिरफ्तार और गिरफ्तार होने के बाद में सीधा सीधा जाएगी वो आखिरकार पुलिस के हवाले। और पुलिस आप लोग जानते हैं कि पुलिस इस समय करने वाली क्या है, क्योंकि अंजलि को टॉर्चर करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अंजलि ने क्राइम ही इस समय बहुत गंदा और बहुत घटिया तरीका से किया है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि आने वाली कहानी अभी बहुत कुछ दर्शाती हुई नज़र आने वाली है, जहाँ आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से लगातार बोलती हुई नज़र आने वाली है अंजलि अपनी बहन से कि कुछ भी करो मुझे यहाँ से छुड़ाओ। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए अंजलि की बहन की, तो अंजलि की बहन किसी भी तरीका से अंजलि का साथ नहीं देने वाली। वहीं प्रीता इस समय गले लगकर रोती हुई नज़र आने वाली है इस समय करण के साथ, क्योंकि दोस्तों करण प्रीता और अपने बच्चों को बचाता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि करण ने बोल दिया कि मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरी फैमिली के साथ में जो किया है अंजलि ने वो कभी भी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और दोस्तों ये बात हकीकत है कि जो सोचता है वो ही वो करता है, और आप लोग जानते ही हैं कि इस समय कहानी में कितना दिलचस्प नज़ारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि कुछ ऐसा भी देखने को मिलेगा कि आखिरकार करण इतना ज़्यादा भावुक हो जाएगा प्रीता के लिए। और प्रीता के लिए भावुक इसीलिए ही होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर प्रीता को कुछ होता तो वो वाकई में किसी को भी माफ़ नहीं कर पाता, और ये चीज़ खुद उसने बोली है करण ने। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके